हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है, क्या है क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट का कारण। विश्व की अधिकांश क्रिप्टो करेंसी में बीते दिनों एक बड़ी गिरावट देखी गई। हाल ही में क्रिप्टो कंपनी FTX ट्रेडिंग लिमिटेड के को फाउंडर सैम बैंकमैन फ्राइड की $16 बिलियन का धन महज कुछ दिनों में शून्य हो गया। इतिहास में यह किसी बिजनेसमैन की संपत्ति में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। आपको बता दें कि FTX दुनिया की बड़ी क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनियों में से एक है। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण लिक्विडिटी क्रंच के बाद FTX ट्रेडिंग लिमिटेड का दिवालिया होना बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि FTX में FTT नामक एक खुद का नेटिव क्रिप्टो करेंसी टोकन है। इसका इस्तेमाल ट्रेडर्स ट्रांजैक्शन फीस पेमेंट करने जैसे ऑपरेशन के लिए करते हैं। ट्रेडिंग कंपनी बाइनांस के प्रमुख चांग पेंग झाओ ने FTX में अपनी हिस्सेदारी बैंकमैन फ्राइड को वापस भेज दी थी, जिसका भुगतान FTT टोकन के रूप में किया गया। CoinDesk के एक लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक FTX में भारी वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसके बाद बाइनांस के प्रमुख ने अपने FTT टोकन बेचने का निर्णय लिया। बाइनांस FTX डील विफल होने के कारण क्रिप्टो करेंसी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। बाइनांस के प्रमुख चांग फेंग झाओ ने कहा कि क्रिप्टो सेक्टर को स्पष्ट और स्थिर नियमों की जरूरत है। लिक्विडिटी क्रंच को तरलता संकट और ऋण संकट के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब नकद संसाधनों की आपूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है।